एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस ने कल अबोहर में एक विशाल रैली की, जिसमें पार्टी के पंजाब प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबा सरकार के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी जमकर निशाने पर लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अकाली प्रधान सुखबीर और आप संयोजक केजरीवाल की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी है, लेकिन उनकी हसरत पूरी नहीं होगी। अबोहर रैली में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर बादल और अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। कैप्टन के मुताबिक दोनों की निगाहें सूबे के सीएम की कुर्सी पर टिकी हैं, लेकिन फिलहाल खुलकर इजहार करने से बच रहे हैं। कैप्टन ने बताया कि जैसे ही दोनों को जीत की भनक लगेगी, तुरंत सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक देंगे। पूरी निगाह पंजाब का मुख्यमंत्री बनने से लगी हुई है और समझ आया कि अगर मैं जीत जाऊंगा फिर मैं मुख्यमंत्री आके बन जाऊंगा। आई 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 अभी बल गई भी यही कर रहे हो, कहने ने सुखबीर बादल इलेक्शन नहीं लड़ू, ये पहला लड़ाऊ। उस तो बाद जदों अगर इन्हों ने नेड़े फिर पहुंच गए जितने थे मुख्यमंत्री। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की माने तो सूबे में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के हिसाब से फिलहाल कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है। उन्होंने सर्वे का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी और अकाली दल के काफी पीछे छूटने का दावा किया है। ਸਾਡੀ ਸਰਵੇਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੌ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਕ ਟੁੱਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਚਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਂਝਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। कैप्टन पहले भी सर्वे का हवाला देकर चुनाव की रेस में कांग्रेस के आगे होने का दावा कर चुके हैं। सुनील नागपाल, जी मीडिया, अबोहर।